देखिए, हमने आप सबको एक खुशखबरी देने के लिए इकट्ठा किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि गोपाल छाप देसी घी की हमारी खपत इस साल दुगनी हो गई है। इसलिए उन लोगों ने खुश होकर सिंगापुर के लिए एक रात और दो दिन का कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिया है। टिकट तो हमारे नाम है, लेकिन हम तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन हम उनसे कहकर वो टिकट पर नाम बदलवा सकते हैं। अब तय ये करना है कि तुम में से कौन दो लोग जाना चाहेगा सिंगापुर। हम हाथ नीचे, हाथ नीचे। सुना नहीं तुम लोगों ने? हमने कहा कि सिर्फ दो लोग जाएंगे, सब नहीं। जल्दी बताओ कौन दो लोग जाएंगे? दो फ्लाइट की टिकट और जाने वाले साथ, बहुत नाइंसाफी है। देखो, हम तुम्हें 2 बजे का समय देते हैं, 2 बजे तक तय करके बता दो कि तुम में से कौन दो लोग जाएंगे। समझ गए? हाँ। नानी जी की जय। बाबूजी, अरे नहीं, हम चलते हैं। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा सिंगापुर। अजब गजब घर जमाई। मान जी, मैंने सिंगापुर को भी नहीं देखा। लॉली जी, मैंने तो एयरपोर्ट भी नहीं देखा। मान जी, यही मौका है, एयरपोर्ट भी देख लेते और सिंगापुर भी। क्या बात कही है लॉली जी, मजा आ गया। ये हुई ना धर्म पत्नी वाली बात। लॉली जी, ये जो सिंगापुर जाने का मौका है ना, ये है तो सही, पर मिलेगा किसे? हमें मिलेगा, और किसे? क्यों? हमें क्यों नहीं? चिंटू जी, वैसे भी हम अपने हनीमून पर तो गए नहीं है। सबसे कह देंगे कि इसे हमारा हनीमून ही समझ ले, और मम्मी भी तो अभी अमेरिका जाके आई है, तो उनके जाने का तो कोई मतलब नहीं है, है ना? अमेरिका से क्या होता है बाबूजी? सिंगापुर अलग है और अमेरिका अलग। और देखिए ना बाबूजी, हम तो अमेरिका जाकर भी होटल के कमरे से बाहर ही नहीं निकले। वैसे भी विज्ञान जी तो यहाँ पर है ही नहीं। एक काम करते हैं बाबूजी, एक टिकट पे हम घूम लेंगे और दूसरी टिकट पे आप चले चलिएगा। मैया आपको मना थोड़े करेगी। लॉली जी, हा? आप समझ नहीं रही हैं। बाकियों को तो मैं मना भी लूंगा, पर ये डॉली और चिंटू को कौन मनाएगा? महान जी, आप नाना जी और मम्मी को मना लो, डॉली को तो मैं मना लूंगी। नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना है, हमें जाना है तो जाना। हाँ तो डॉली जी, मैं कब मना कर रहा हूँ? आप मना कर भी नहीं सकते चिंटू जी, क्योंकि प्यार में ना नहीं होता। नानी जी ने अच्छा मुसीबत में डाला मुझे, पता नहीं क्या स्वाद आता है इनको मुसीबत में डाल के। कह रही है सब आपस में मिलकर डिसाइड कर लो, बात कर लो। क्या क्या बात कर ले आपस में? जाना तो दो को है और पूरी लंका तैयार है जाने के लिए, और इन सबको मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करूं? ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। डन डन। चिंटू चटाला, जो तू कर रहा है कहीं वो नाजायज तो नहीं है? क्योंकि प्यार में ना नहीं होता। जब प्यार में ना नहीं होता तो फिर ये नाजायज कैसे हुआ? तो महान जी, आप सिंगापुर जाना चाहते हैं? जी नाना जी। तो आपके कहने का मतलब है कि इस एप्लीकेशन पे मैं साइन कर दूं? जी नाना जी। अरे बेटा महान, मेरा भी तो बचपन से एक सपना है सिंगापुर जाने का। पर नाना जी, गुजर गए, मेरा मतलब है नाना जी, आपका बचपन का सपना गुजर गया। अरे बेटा देखो, इतना बड़ा सपना मैं कुर्बान कर रहा हूँ ना। नाना जी, आप बहुत लालची होते जा रहे हैं। अरे बच्चों को तो छोड़ दीजिए। 100, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 90 ये लीजिए। ये क्या बेटा, इसमें तो सिर्फ 62 जा पाएगा तू, समझे? अच्छा तो पूरे ले लिए नाना जी आपने तो।
ठीक है बेटा, बड़ा सपना है, बड़ा सपना। ये साइन भी कर दीजिए इसमें, लीजिए। थैंक यू भगवान, अब मैं सिंगापुर जाऊंगा। थैंक यू नाना जी। नाना जी पेन। बेटा तुमने पेन हमें बहुत दिए, पेन चल निकल लो, हो गया काम, चला। नाना जी नाना जी आपने सुंदर जी को भी हाँ कह दिया और महान जी के भी कागज पर साइन कर दिए, ये तो गलत बात है ना नाना जी? अबे नागदेव, तब तू मुझे समझाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। हाँ ना, अबे जिस काम में कमीशन मिले वो सारे काम नाना की नजर में सही है। हाँ, लेकिन नाना जी आपके वोट तो कट जाएंगे ना। वोट वोट वोट, अबे वोट, अबे वोट कटेंगे तो क्या उम्मीदवारी तो बनी रहेगी ना डॉली। अरे दीदी आइए ना। डॉली तुम तो कर ही रहे होगे प्लान सिंगापुर जाने का। हाँ आप लोग भी तो कर ही रहे होंगे ना प्लान सिंगापुर जाने का। हाँ वो एक्चुअली ना तेरे जीजा जी का बहुत मन है सिंगापुर जाने का, मेरा मतलब उनका तो बहुत ही ज्यादा मन है सिंगापुर जाने का। हाँ वही तो, अब चिंटू जी का भी तो इतना मन है सिंगापुर जाने का, पर ना हमें कहाँ पड़ी है जाने की। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कहाँ पड़ी है जाने की, तो चिंटू जी को तो तुम समझा ही लोगी। नहीं 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 नहीं, इस मामले में चिंटू जी को समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ लेकिन जीजू को समझाना आपके लिए बहुत आसान है। डॉली मुश्किल काम ही तो करना चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तू कोशिश कर। तू जीजा जी को थोड़ा ज्यादा समझाना, मैं थोड़ा कम समझा दूंगी। कोई फायदा नहीं दी, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि इनको सिंगापुर जाना है, और वो जो ठान लेते हैं ना वो करते हैं दी। नहीं डॉली, वैसे तेरे जीजा जी भी जो ठान लेते हैं ना वो करते ही है। अच्छा वैसे 2 घंटे बचे ना अभी 2 बजने को। हाँ तो 2 घंटे बाद पता चल जाएगा दी कि चिंटू जी हमें सिंगापुर लेके जा रहे या जीजू आपको, है ना। आइए। अरे चिंटू चमाई जी आइए आइए। क्या बात है सासू माँ, लगता है कपड़े रखे जा रहे हैं सिंगापुर जाने के लिए। चिंटू चमाई जी कपड़ों के बारे में जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन हम सिंगापुर के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे। पिछली बार तो अमेरिका जाकर हम होटल के कमरे में ही बंद रह गए, लेकिन इस बार हम जाएंगे भी और घूमेंगे भी, हमने तो सिंगापुर जाने का मन बना लिया बस। बनाना भी चाहिए सासू माँ। वैसे तो मैं ना सच बता रहा हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप ही जाओ सिंगापुर। आप ऐसा चाहते हैं? हाँ सासू माँ, अब आपके अलावा और कौन जाएगा, हम जाएंगे क्या सिंगापुर? हम तो बच्चे हैं सासू माँ, हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर कभी निकल जाएंगे। आप ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में? हाँ सासू माँ, एक बात और सोची है मैंने। क्या? जैसे ही आप सिंगापुर से वापिस आओगी ना, आपका एक बहुत बड़ा सा इंटरव्यू करवाएंगे। इंटरव्यू? ऐसे लाइव मथुरा न्यूज में इंटरव्यू, लाइव कैमरे ही कैमरे आपके सामने, समझ रही हो आप, फोटो खींच रही होंगी आपकी। कुछ बिहारी लाइव कवरेज। सासू माँ हर अखबार के ना पहले पन्ने पे आपकी खबर, सुंदरी जी लौटी सिंगापुर से वापस। वाह वाह वाह, लाल स्याही से छपवाएंगे। लाल क्यों? अरे देखो आपके माथे पे सिंदूर लाल है, है ना लाल, ठाकुर जी का टीका लाल, है ना, लाल रंग की बात ही कुछ और है, एकदम अलग होता है ये। चिंटू जमाई जी हम सोच रहे थे कि इस बार आप और डॉली चले जाइए। अच्छा फिर आप इंटरव्यू का क्या करेंगी? इंटरव्यू वो तो फिर कभी भी हो जाएगा ना। अच्छा पक्का? हाँ एकदम पक्का। चलो पक्का है ना सासू माँ? हाँ, आप बस जाने की तैयारी कीजिए ना आप और डॉली। मेरा मन नहीं है वैसे, मेरा मन तो ये है कि आप जाएं सासू माँ, लेकिन भाई जैसी सासू माँ की आज्ञा है, हमें तो आपके आदेश का पालन करना है ना सासू माँ, है? सासू माँ की जय हो, जय हो। खुश रहो। आपको जाना चाहिए वैसे तो, पर आजा आप गजब
जी हाँ जी 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 हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी वो हो जाएगा हाँ जी अरे साडू भाई बड़े मौके पर आए हो मैं बता नहीं सकता आज कितना खुश हूँ मैं क्या बात है साडू भाई लग रहा है सिंगापुर जाने का प्लान पक्का हो गया आपका अरे नहीं सिंगापुर से भी आगे आगे मतलब मलेशिया इंडोनेशिया अरे नहीं साडू भाई फिल्म साडू भाई फिल्म अभी अभी कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया था नहीं हाँ वो मुझे अपनी रोमांटिक फिल्म में एज अ हीरो लॉन्च करना चाहते हैं नहीं अरे साडू भाई बस एक प्रॉब्लम है नहीं अब वो क्या है ना कि वो हीरो को अनमैरिड चाहते हैं रोमांटिक फिल्म है ना इमेज पर फर्क पड़ता है नहीं हाँ पर इसका इलाज भी उन्होंने ढूंढ निकाला नहीं हाँ उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी वाली बात को छिपा देंगे और पब्लिकली अगर साथ साथ नहीं दिखोगे तो बात बन जाएगी और फिर वैसे भी एक ही फिल्म की तो बात है और मैं हीरो बन जाऊंगा मैं हीरो बन जाऊंगा लेकिन साथ साथ सिंगापुर सिंगापुर अब सिंगापुर नहीं जाएंगे आप चले जाना नहीं 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 हाँ हाँ साडू भाई आप चले जाना बस मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं लॉली जी को कैसे समझाऊंगा कैसे मनाऊंगा अरे बहुत आसान है साडू भाई सीधा सीधा जाकर के कह दो बहुत समझदार है लॉली जी तुरंत मान जाएंगी और समझ भी जाएंगी समझे पक्का पक्का फिर ठीक है थैंक यू साडू भाई थैंक यू लॉली जी कैसे समझाऊं कैसे बताऊं कैसे मानेंगी यार फिल्म है फिल्म अब एक मिनट अपनी आंखें बंद करिए जरा क्यों मान जी अरे बंद तो करिए ना चलो मान जी यस अब खोलो मान जी एक मिनट ओहो मान जी हाँ खोलिए खोलो क्या है मान जी समझो मान जी आप मुझे सिंगापुर लेके जाने वाले हो मुझे तो पता था कि आप मुझे सिंगापुर लेके जाओगे पता है महान जी आज तो डॉली ने मुझसे चैलेंज लगा लिया बोला कि 2 बजे तक पता चल जाएगा कि कौन सिंगापुर जाएगा महान जी अभी तो 2 भी नहीं बजे वैसे महान जी बात आपकी और मेरी रिस्पेक्ट की है वैसे बात तो सिंगापुर की भी है ना महान जी पता है महान जी कैसा होगा सिंगापुर बहुत खूबसूरत होगा ना महान जी मैंने कभी नहीं देखा है सिंगापुर लॉली जी सिंगापुर को लेके कितनी एक्साइटेड है क्या करूं पर उन्हें सच तो बताना ही पड़ेगा ना पर कैसे बताऊं मेरी लॉली जी मालकिन जी वो सिंगापुर के लिए नाम में ही लगे हुए सब हाँ हाँ बड़े लाल जरा जल्दी से नाम भेजो और देखो टेबल पर कुछ फाइल्स पड़ी होंगी उन्हें समझ गया मालकिन रख दिया पासपोर्ट वो बेटे की जान ओफो चिंटू जी आप इधर है और वहाँ लॉली दी अरे मेरी बारबी डॉली लॉली जी को छोड़ो आप सिंगापुर जाने की तैयारी कर लो लेकिन लॉली दी को समझाएगा कौन कितनी बार आपसे कहा है फिकर मत किया करो पर आप मानती नहीं हो साडू भाई ने अब तक समझा दिया होगा उनको जीजू वो क्या दी को समझाएंगे चिंटू जी उनको तो खुद को सिंगापुर जाना है अच्छा अच्छा डॉली जी आपको पता है कि पावर क्या होती है नहीं पता पावर होती है नॉलेज आपको क्या किसी को भी नहीं पता है जो मुझे पता है आइए बताता हूँ महान जी कितना अच्छा है ना आज हम बहुत खुश हैं हमारा सपना पूरा होने वाला है बहुत सही बात कर रही हो लॉली जी आप खुश तो मैं भी बहुत हूँ और ये भी बहुत है आप लोग क्यों खुश हो अरे आपकी खुशी में हम लोग खुश नहीं होंगे क्या अच्छा हाँ। देखा यही तो मैं समझा रही थी डॉली को क्यों डॉली साडू भाई और लॉली जी हम दोनों ना आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं क्यों अरे आपको नहीं पता क्या लो
मेरी मम्मी ने बचपन में सिखा दिया था मुझे। वो कह रही थी एक दिन तू विदेश जाएगा, तो जब घर से आदमी विदेश जाता है ना तो बड़ों के पैर छूकर जाता है, समझे आप? सिंगापुर जा रहे हैं ना। ये क्या ट्रिक है डॉली, हम क्यों देंगे तुम्हें आशीर्वाद, हम तो खुद सिंगापुर जा रहे हैं। देखा चिंटू जी, हमने कहा था ना। मतलब आप सिंगापुर जा रहे हैं? हाँ। इसीलिए तो हम खुश हैं। और हम क्या, हमारी खुशी में तो आप भी खुश हैं। नहीं, हम तो किसी और खुशी में खुश। आपने बताया नहीं लॉली जी को? क्या नहीं बताया? कुछ नहीं लॉली जी, बस कुछ नहीं, ऐसे ही। बहुत बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी। हाँ जी। आपको ना एज अ मेन हीरो लॉन्च करेंगे, रोमांटिक, शाहरुख के बाद यही है। क्या बात कर। हाँ, हेलीकॉप्टर से एंट्री है इनकी, जंप ले रहे हैं उसमें। हाँ, और सीधा हीरोइन की गोदी में ऐसे, मैं बता रहा हूँ। हाँ, और फिर उसके बाद ना उन्होंने कहा कि ये शादी वादी का जो चक्कर है ना, ये नहीं होना चाहिए, वो इमेज पे फर्क पड़ता है। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई महान जी। लाली जी, आप सिंगापुर जाने के लिए इतनी खुश थी कि मैं आपका दिल कैसे तोड़ सकता था। महान जी, और आप अपना सपना तोड़ देते। महान जी, आप ये कैसे भूल गए कि आपका सपना आपका नहीं, हमारा सपना है। लॉली जी, मेरी फिल्मों का क्या है, अभी तो बस एक फोन कॉल आया, पता नहीं फिर दोबारा आए ना आए। किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम अपनी जिंदगी की ये छोटी छोटी खुशियां यूं ही नहीं जाने दे सकते ना, है ना? बस फिल्म का क्या है, एक छुट्टी है, फिर दोबारा फोन आ जाएगा, देखा जाएगा। पर सिंगापुर जाना तो एक हकीकत है ना, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, हम सिंगापुर जाएंगे। अगर रही बात ये फिल्म की, तो ये फिल्म अगर मिलनी होगी तो मुझे बाद में भी मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए। नहीं महान जी, आपके इस ड्रीम पर मैं अपनी सिंगापुर की 100 ट्रिप कुर्बान कर सकती हूँ। सिंगापुर तो डॉली और जीजा जी जाएंगे, है ना महान जी? बस करो लॉली जी, अरे भाई बस करो, बिल्कुल आंसू बाहर निकल पाओगे क्या है? देखा डॉली जी, ये होता है असली प्यार। हाँ दीदी जी, आज हमने आपके साथ बहुत ज्यादती किया ना, सॉरी, लेकिन अब सिंगापुर ट्रिप आप दोनों ही जाएंगे। पर वो फिल्म? अरे साडू भाई, फिल्म वालों को मैं संभालूंगा, 2-3 दिन की तो बात है बस। नहीं नहीं जीजा जी, उन्होंने कहा है कि हमें पब्लिकली साथ नहीं दिखना है, अगर ये बात लीक हो गई तो हम रिस्क नहीं ले सकते। अरे किसी को कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं नहीं जीजा जी, आपके कहने से क्या होता है, आप फोन लगाइए महान जी। फोन क्यों लगा रहे हो, फोन की कोई जरूरत ही नहीं है, फोन क्यों लगा रहे हो? अरे क्यों जीजा जी, महान जी आप फोन लगाओ। अरे नहीं नहीं, फोन मत करो, मेरी बात मानो आप, ये बड़ा बेइज्जती वाला काम है, उनको लगेगा आप खाली एक्टर हो। फोन क्यों लगा रहे, कोई फायदा नहीं। रिंग जा रही है। हाँ। ये रिंग की आवाज आसपास से कहां से आ रही है? अजब गजब घर जमाई। क्यों साड़ू भाई, क्यों? कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने को, अंधा हो गया था मैं सिंगापुर जाने के चक्कर में, सही गलत की भी पहचान नहीं रही मुझे। डॉली, एक छोटे से चैलेंज के लिए तुमने ये काम किया? लॉली जी, आप मेरी बारबी डॉली के बारे में कुछ मत कहो, जो कहना ना मुझे कह लो, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास 2-2 फोन है। आप ना मुझे मार लो साडू भाई, लेकिन मुझसे जो गलती हुई है ना, उसकी सजा आप खुद को लॉली जी को मत दो। आप सिंगापुर जाओ,
आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा फिर बताओ मुझे। हाँ जीजू, हाँ दी, इनकी तरफ से ना हम माफी मांगते हैं आप लोगों से, लेकिन आप लोग ये ट्रिप मिस मत करो प्लीज। एक मिनट, नानी जी की जय हो। हाँ नानी जी, वो सिंगापुर के ट्रिप के लिए जो नाम है ना वो। चिंटू बेटा, नाम मिल गए हैं और हमने भेज भी दिए। अच्छा ठीक है, घर आके बात कर। नानी जी बोल रही है, आप लोगों में से किसी ने नाम दिया है क्या नानी जी को सिंगापुर जाने के लिए? मैंने नाम आम नहीं दिया कुछ। मैंने भी नहीं भेजे। आपने नहीं दिया तो फिर किसने दिया है? आओ नाना जी, सासू माँ, बड़े लाल जी, कहाँ हो, जरा बाहर आइए। आप लोगों में से किसने नानी जी को सिंगापुर जाने के लिए नाम दिए हैं? हमने तो नहीं भेजा। हैं? हमने तो नहीं दिया। जब नानी जी को नाम किसी ने भेजे नहीं तो फिर उनको मिले कैसे? हाँ। मुझे क्या पता, तभी तो पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, हो गई पैकिंग। पैकिंग? कौन सी पैकिंग नानी जी, हमें तो ये भी नहीं पता कि सिंगापुर जा कौन रहा है। पैकिंग क्या खा करेंगे? अरे बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, तुम्हें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब कुछ तुम्हारा ही तो किया धरा है। हाँ नानी जी, लग तो मुझे भी ऐसा रहा है कि सब कुछ मेरा किया धरा है, पर समझ भी नहीं आ रहा मैंने क्या क्या कर दिया है। क्या क्या कर दिया? ये किसकी लिखाई है? बेटे की जान, मेरी है नानी जी। लेकिन ये कागज आपके पास कैसे आ गया? जैसे तुमने भिजवाया था हमारे पास, फाइल में रख के। तो फिर जा कौन रहा है? जा रहे हैं पन्ना जी। अरे अरे, मैं सिंगापुर जाऊंगा, मैं सिंगापुर जाऊंगा भाई। और बड़े लाल, हिप हिप हुर्रे, अरे इस खालू को कहाँ भेज रहे हो मेरे साथ में? मालिश करेगा आपकी नाना जी। और आप बिना पजामा पहन के जाना है, धोती वोती का बड़ा चक्कर रहता है प्लेन में, खुलने के चांस रहते हैं। हे भगवान, सोचा था क्या और क्या हो गया, वो कागज पर नाम मैंने लिखकर किसी और चक्कर में काटे थे, और देखो ना क्या हो गया। पर एक बात है भगवान, इससे एक चीज सीखने को मिल गई मुझे, बुरे काम का नतीजा ना कभी सही हो ही नहीं सकता। God is great. अजब गजब घर जमाई।